टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जनपद के तरवा के ग्राम सभा सुंधी प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल के निर्माण को दिखाकर 1,62,000 रुपए गाँव के प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर निकाल लिए हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। जबकि मौके पर ना ही बाउंड्री है और ना ही कायाकल्प हो रहा है। विद्यालय पूरी तरह जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है और गांव के बच्चे विद्यालय में जान हथेली पर लेकर पढ़ रहे हैं, जो कभी भी गिर सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमारी ग्राम सभा में अन्य प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल को बनवाया जा रहा है, जिसमें सफेद बालू का प्रयोग और लाल पीटी ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। वहां मौजूद अन्य ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 20 मीटर का खड़ंजा लाल पीटी ईंट से बनाकर 64,000 रुपये पास करा लिया गया है और नाला को दिखा करके मनरेगा के तहत कार्य हुआ दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसका पैसा 1,82,000 पेमेंट करवाकर प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर खा गए, पूरी ग्राम सभा भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है। वही ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि हमने तहसील दिवस के मौके पर एसडीएम को ज्ञापन दिया था और उन्होंने वीडियो विकासखंड तरवा को जाँच करने के लिए आदेश किया था, जबकि आज तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण है यहाँ पर जो है, आप ये बताए कि जो यहाँ पे काम चल रहा है प्राथमिक विद्यालय पर यहाँ पर जो है कि मानक के अनुसार काम आपको दिख रहा है? नहीं। क्या फिर गड़बड़ियाँ क्या हैं? गड़बड़ी आपके सामने दिख रहा है। अभी ये खड़ंजा लगा है, इस ईंटे पे मैं कंप्लेन किया था। अभी कुछ दिन पहले मैं मीडिया को बुलाया था यहाँ पे, या इस ईंट का कंप्लेन किया था कि ये लाल पेटी ईंटा रखा हुआ है और इसी ईंट को यहाँ पे खड़ंजा लगा के इस पर 71,000 रुपये उठा लिए ये लोग। अच्छा। और देखिए खड़ंजा ये तुरंत ध्वस्त हो गया। सफ़ेद बालू का हमेशा मैं कंप्लेन किया, फिर भी यहाँ सफ़ेद बालू लगातार सफ़ेद बालू से काम चल रहा है। इसका वीडियो सेक्रेटरी बराबर हम सबके कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एसडीएम साहब को आपने तहरीर दी थी, ऐसा भी बताया गया? हाँ, तहसील दिवस के दिन मैं तहरीर दिया हूँ, वीडियो को जाँच करने के लिए भेजे हैं, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। कोई फ़ोन कोई मतलब मैसेज भी नहीं आया जी भैया? न कोई फ़ोन किया है, न कोई मैसेज किया है, कोई दिक्कत मतलब। कितने दिन हो गए तहसील? शनिवार को लगभग एक हफ्ता होने को जा रहे हैं। हाँ, अभी यही शनिवार को अभी 4 दिन हुआ। 4 दिन में भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। और वो आदेश उनके तक पहुँचा कि नहीं, वीडियो तक? अरे तुरंत यहाँ पे लीक हो गया। अच्छा। जिस दिन हमें एसडीएम को दी है यहाँ पे लीक हो गया। अच्छा। दरखास्त जिस दिन हम दिए यहाँ पे लीक हो गया, सबको पता चल गया कि यहाँ दरखास्त पड़ गया है प्रधान के खिलाफ। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अधिकारी सब लोग मिले जुले हुए। हाँ, आपका नाम? सुपूजन यादव। सुपूजन, ये बताइए ये नाला है? जी ये नाला है। इस पे इसकी कुछ शिकायतें आई थी जो है, इसके लिए इसके संदर्भ में बताइए आप। इसकी शिकायत है सर कि जो है कि जो वर्तमान प्रधान है जी, इस पे जो है कि 1,83,000 का पेमेंट करवा लिया है जी, 2-3 भाग में, और इसमें जो है कि काम केवल 20 मीटर करवाया है। कितना पास हुआ है पूरा पैसा? 1,83,000। 83,000 जी। और कार्य तो यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कार्य आप देख लीजिए सर, हम लोग मीडिया को आप लोग को भी दिखा दिए, फिर एसडीएम के भी फोन किए हैं, उनको भी दरखास्त दिए हैं, वीडियो को भी कहे हैं जी, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेक्रेटरी साहब क्या बता रहे थे? और सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि अगर उनसे बात किया जा रहा, कोई उनको खुलासा किया जा रहा, तो कह रहे हैं कि गलत से पैसा जो अकाउंट में चला गया है, बंद कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो फिर फोन लगाओ रिफिल करो, तो मतलब उसके बाद मोबाइल उनकी स्विच ऑफ हो जा रही है।